हाईटेक एग्रीकल्चर की और किसान जो नवाचार कर रहे हैं उसी दिशा में आज हम नाबार्ड की एम जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपने यहाँ रामपुरा और जो चांदाली के पास का जो एरिया है वहाँ पर आज हम किसान के ग्रीन हाउस के ऊपर यहाँ पर राजेश जी के हाउस पर हैं और यहाँ इन्होंने इस ग्रीन हाउस के अंदर अभी खीरे की इन्होंने पैदावार के लिए यहाँ पर बीज लगाया है वो अंकुरित होकर अभी दो तीन पंखुड़ियाँ यहाँ आपको नज़र आ रही हैं आपको हम बताएंगे कि राजेश जी से भी हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने हाईटेक एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस को अपनाया और जो किसान खेती में नवाचार करना चाहते हैं लेकिन रिस्क से वो डरते हैं और कई बार क्या होता है किसान नॉलेज ना होने के कारण भी कई बार पिछड़ता जाता है तो हम प्रयास करते हैं गाँववाणी स्टूडियो के इस बैनर तले ऐसे कृषि में नवाचार करने वाले खेती में नवाचार करने वाले किसानों की जो कहानियां हैं उन्हें हम अपने इससे गाँववाणी बैनर तले लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और विशेषकर वर्तमान में नाबार्ड ने विश्वास दर्शाकर युवा जागृति संस्थान को हाईटेक एग्रीकल्चर का एक तीस किसानों का प्रशिक्षण प्रदान किया है जो तीस महिलाएं स्वयं सहायता समूह की अर्जित कर रही हैं उस प्रशिक्षण को तो उसमें हमारा ये ग्रीन हाउस का भी उसमें एक सेगमेंट है यहाँ पर हमारे आ, किसान आ, जो आ, ये ट्रेनिंग अर्जित कर रहे हैं विशेषकर महिलाएं वो आकर और उन्होंने यहाँ पर विजिट भी आ, करने का प्लान बनाया है और वो राजेश जी के फार्म हाउस पर हमारे जो कृषि विशेषज्ञों के साथ में भ्रमण करके और जानेंगे कि वो कम भूमि में किस प्रकार अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं राजेश जी के इस फार्म हाउस पर हमने देखा कि किस प्रकार इन्होंने ग्रीन हाउस सेटअप किया है कैसे ये सेटअप होता है हम जानेंगे क्योंकि राजेश जी ने इसको वास्तविक मूल स्वरूप प्रदान किया है वो इसमें अपना एक अनुभव भी रखते हैं तो हमारे खेती किसानी कार्यक्रम गाँववाणी पर आज राजेश जी से हम जानेंगे कि उन्होंने ये जो ग्रीन हाउस का आइडिया कहाँ से लिया और हमने ये भी देखा कि ये ऑर्गेनिक तरीके से जो खाद है उनको भी तैयार करते हैं और कैसे अपने इस ग्रीन हाउस में उपयोग में लेते हैं तो चलिए हम राजेश जी से आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस किस प्रकार प्रकार सेटअप किया जाता है कैसे इसकी देख की जाती है और किस प्रकार किसान अपने यहाँ पर ग्रीन हाउस सेटअप कर सकते हैं तो राजेश जी आपका स्वागत है हमारे गाँववाणी चैनल पे और इस खेती किसानी कार्यक्रम में हम हाईटेक एग्रीकल्चर को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं नाबार्ड ने भी हमें एक हाईटेक एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी है हमारी तीस महिलाएं इस ट्रेनिंग को ले रही हैं और आपके इस फार्म हाउस पर हम लेके आएंगे पास में ही आपके रामपुरा है मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से हम एक एक्सपोजर विजिट के लिए यहाँ आपके फार्म हाउस पर उनको लेके आएंगे हम जानना चाहेंगे कि सर आपको ये प्रेरणा कैसे मिली आप जिस उम्र में लोग सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं आपने खेती में आ, वापस अपने कहते हैं ना कि खेती किसानी आपकी नशों में है बचपन से आपने खेती किसानी को देखा है और आपने परंपरागत खेती के साथ नवाचार को अपने यहाँ पर इनबिल्ट किया हाईटेक एग्रीकल्चर से आप ग्रीन हाउस को अपने यहाँ पर सेटअप करके और एक अच्छा एग्जाम्पल आसपास के लोगों के लिए दिया है तो मैं जानना चाहूँगा राजेश जी आपसे तो मेरा नाम राजेश कुमार यादव है मेरी क्वालिफिकेशन है बी टेक मैकेनिकल इंजीनियर मैं प्रजेंट में अभी दिल्ली जॉब कर रहा हूँ ओके okay. वहाँ से जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मेरे पास सोर्स था कि अपने पास अच्छा खासा लैंड है तो इसमें कुछ हाईटेक एग्रीकल्चर का, का काम किया जाए तो इसी के रिगार्डिंग में बानसुर में आर से इनसे मिला आर के जो भी स्टाफ थे शर्मा जी थे ये दो की बात है फिर उनसे मैं मिल के और हाईटेक एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन के लिए मिला इसमें दो चीजें होती हैं एक तो ये है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एक होता है इसमें नेट हाउस नेट हाउस में ऊपर की जो पॉलीथीन है ये नहीं होती साइड का नेट होता है उसमें बारिश का पानी डंप होगा अंदर तो उस में आ, कुछ चैलेंजिंग आते हैं okay. बस इसमें प्रॉपर प्रोटेक्टेड होता है तो बारिश का पानी नहीं आता है uh -huh. इसमें उससे बेटर होता है ये okay. और इसके संबंधित में पूरी जानकारी लेने के बाद जो अपना इंडो इज़राइल ग्रौा करनाल में सेंटर है uh -huh. वहाँ पे फोर डे की ट्रेनिंग होती है okay. उसमें मैं कलर कैप्सिकम कैप्सिकम ओपन फील्ड और ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ट्रेनिंग लेके फिर मैंने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग की है तो फर्स्ट टाइम में चैलेंजिंग काफ़ी आते हैं जब भी कोई क्रॉप करते हैं अभी तक मैं ओनली फॉर कुकुम्बर की क्रॉप चल रही है मेरे पास okay. हर क्रॉप में कुछ ना कुछ नए चैलेंजिंग आते हैं भाई नई नई बीमारियाँ आती हैं तो इसमें फिर एक मेरा फ्रेंड है राजकुमार जी उनसे मैंने लिंक लिया और उनसे प्योर फिर ऑर्गेनिक की तरफ आया ऑर्गेनिक में जो भी अपने अजमेर तबीजी में हैं मीना जी फिर उनसे मैंने डिस्कस किया तो जो भी सोइल के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम हो यहाँ पे सैंडी सोइल है तो सैंडी सोइल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नीमटोड़ की बिल्कुल तो इसके लिए मैं आ, मीना जी से मिला वहाँ पे गया अजमेर तवीज़ी उनके सेंटर पे उनसे समझा कि, कि कितने टाइप के कल्चर हैं तो वहाँ से जितने भी कल्चर लेकर मैं फिर वो यू प्रॉपर यूज कर रहा हूँ और कुछ अपना अनुभव जो भी फोलियर का है मैक्सिमम मैं इसमें केमिकल फ्री रखना चाहता हूँ केमिकल okay. मिनिमम यूज़ हो क्योंकि इसमें प्रोटेक्टेड हो तो सूर्य वगैरह की किरणें नहीं आती डायरेक्ट तो इसमें सोइल की कंडीशन ख़राब हो जाती है यदि ज़्यादा हम इसमें केमिकल यूज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें ध्यान रख के फिर इसको तैयार किया जाता है और ये जो यूथ है उसके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है क्योंकि इसमें ईयरली दो क्रॉप होती हैं अभी मेरा है ये दो हज़ार स्क्वायर मीटर का एरिया है बिल्कुल सर इसमें प्रॉपर यदि इसकी केयर करें सही से टाइम पे क्रॉप को देखभाल करें तो आप ये एक बीघा का फार्म हाउस एक तरफ और आपका ओपन में टेन बीघा दस बीघा का फार्म हाउस एक, एक तरफ ये बराबर है उससे बेस्ट ही है आप दस बीघा में आपकी लेबर कितनी कंज्यूम होगी एक बीघा में कितनी हो तो उसी बैटरी रहेगा ये बिल्कुल तो जो छोटे फार्मर हैं अब आर ए सी पी योजना नहीं बट एन एच एम है, नहीं है। नहीं के में भी मेरे दो फार्म हाउस और निकले हैं उसके लिए मेरी कल ही अभी वहाँ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात हुई है नेक्स्ट थ्री मंथ में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट अच्छा, आगे तो इसी साइड में अगले फेज में आप और ग्रीन हाउस सेटअप से एक ग्रीन हाउस है एक नेट हाउस है नेट हाउस में मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी नर्सरी की क्योंकि अपने लोकल बानसुर क्षेत्र में नर्सरी किसी के पास भी प्रॉपर नहीं, नहीं मिलती है, है। तो एक हाईटेक नर्सरी का भी हम काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं विचार कर रहे हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल तो इसको तो जितना टाइम देंगे उतना बेटर है बहुत ही अच्छा स्कोप है क्योंकि हर एक यूथ बस एक उनके दिमाग में होती है कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब आप इसको गवर्नमेंट जॉब सोच के काम करेंगे ना तो जो गवर्नमेंट है उससे आगे निकल जाएंगे बहुत बढ़िया जो हाईटेक में बट ये प्रॉपर टाइम देना होगा इसको मेन चीज है इसको समझना अगे वो प्रॉपर इसको समझे कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है हर एक प्रॉब्लम का कोई भी अपने हॉर्टिकल्चर डायरेक्ट डिपार्टमेंट में सलाह लें।, सला लें आज एक काफ़ी एग्रोनोमिस्ट भी हो रहे हैं अपने यहाँ पे बानसुर क्षेत्र में जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे एक भी अपने क्षेत्र में एग्रोनोमिस्ट नहीं थे अब तो फिर भी काफी आ गए हैं वो हेल्प भी होती है फिर जो फार्मर होते हैं जो प्रॉपर पहले से कर रहे हैं उनसे भी डिस्कस करके कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो नए फार्मर आएंगे इस लाइन में उनको इतना चैलेंज नहीं आएगा जो स्टार्टिंग में फार्मर आए थे उनके लिए काफी चैलेंज काफी था बट चैलेंज के बाद उनका प्रॉफिट भी हुआ है क्योंकि काफी अच्छी इल्ड भी निकलती है इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूँगा कि सर लगभग जैसे अपन बात करें कि इसको लगाने का पार्ट आपने

तो अगर कोई ऐसा किसान आप बताएं कि अगर वो हाईटेक एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस अगर वो सेटअप करना चाहे तो अनुदान पाने के लिए आवेदन किस प्रकार करें देखो नज़दीकी अपने जो भी ई मित्र सेवा होती है उन पे जाके और जो एग्रीकल्चर की वेबसाइट होती है पोर्टल होता है राज किसान सेवा केंद्र हाँ सर उस पर जाके ऑनलाइन अपने जो भी दस्तावेज हैं वो सबमिट करें बिल्कुल और जब भी ये सेंशन होते हैं ईयरली एक बार इसकी फाइल निकलती है बिल्कुल सर तो ये प्रोसेस उसका अब जो आप बता रहे हैं कि आपको उद्यान विभाग की तरफ से ये जो सेंशन हुआ है उसमें क्या कितना सब्सिडी कितना परसेंट रहेगा अभी जो एन के अकॉर्डिंग है सेवेंटी परसेंट सब्सिडी होती है की और थर्टी परसेंट शेयर होता है उसमें मेरा फार्मर फार्मर का शेयर होगा तो लगभग ये मान के चलो कि आप मात्र तीस परसेंट के मतलब कि शेयर कैपिटल के, के साथ में आप तीस हाँ, परसेंट अच्छा ग्रीन हाउस सेटअप कर सकते हैं मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि बहुत से किसान जोश जोश में कई बार स्टार्टअप भी कर लेते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं तो आपने फेलियर भी देखे हैं और आपने कहा कि अजमेर जाके आपने ट्रेनिंग ली काफी सारे अजमेर फिर मेरा बेसिक ट्रेनिंग अपना यहाँ पे करनाल घरोंडा इंडो इजराइल केंद्र है ओनली वो प्रोटेक्टेड और ओपन का देते हैं बिल्कुल तो बहुत अनुभवी बंदे हैं वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको काफी अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का वो लास्ट सिक्स से एट ईयर इसी भी फील्ड में उसकी वेबसाइट है बिल्कुल जो इंडो इजराइल की एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके उसका ट्रेनिंग शेड्यूल देखे ट्रेनिंग शेड्यूल में उसमें कांटेक्ट नंबर आएंगे वो अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं ऐसा उसमे फोर थाउजेंड फीस होती है फोर डे के लिए आपका रहना खाना बिल्कुल फ्री होगा उसी में रहता है पूरा उसी में तो देखो कितना अच्छा एक नया तरीका भी सर ने बताया हमें कि किस तरीके से आप नई आधुनिक तकनीकों को भी सरलता से सीख सकते हैं मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि सर जो जो यहां बड़े ड्रम में आपने ये तैयार किया हुआ कल्चर ही है ये ऑर्गेनिक कल्चर है क्या -क्या इसमें होती है ये अजमेर तबीजी से लिए हुए कल्चर हैं जो नीमा के लिए और बैक्टीरिया है उसके लिए सबसे बेस्ट है बिल्कुल तो उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी क्वांटिटी होती है 200 लीटर का ड्रम लिए इसमें दो के जी गुड़ प्लस दो के उबले हुए आलू ठीक है वो डालकर आधा लीटर कल्चर ये ट्वेल्व डे में तैयार हो जाता है इसको मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम इसको, इसको पाँच मिनट के लिए घुमाना होता है ठीक है इसमें ये टोटल मेरे पास पांच कल्चर हैं और इसमें फोर कल्चर मेरे पास स्प्रे के हैं ठीक है तो इनका जो नीचे केमिकल नहीं जैसे अभी काफ़ी नीमट के लिए मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी दवाइयाँ मिलेंगी हर एक दुकान पे जाएंगे तो अलग अलग देंगे आपको तो ये कल्चर आप यूज करें ओपन में करें प्रोटेक्टेड में करें सबसे बेस्ट रिजल्ट है इससे यदि आपने कंटिन्यू एक साल यूज कर लिया तो अपनी सॉइल में जीरो परसेंट नीमाटोड होगा और सोयल नीमाटोड फ्री हो जाएगी बिल्कुल एकदम प्योर हो बिल्कुल प्योर हो जाएगी और इसमें सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी है ठीक है सॉइल की कंडीशन बेस्ट रहती है इस हाँ इसके हाँ इसके साथ में आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी यूज करते रहें कंटिन्यू okay. वो भी बेस्ट है वो मेरा वेस्ट डिकम्पोजर कंटिन्यू चलता है ओपन में भी और प्रोटेक्ट में तो बाकी और कोई ऐसा सुझाव आप किसानों को देना चाहें किसानों, किसानों ये है कि इस चीज़ को पहले समझे समझ के फिर इस फील्ड में आइए बहुत ही अच्छा फ्यूचर है ओके okay. आप अभी हरियाणा पंजाब में जाएंगे तो इतने बड़े बड़े फार्मर हैं उनसे भी मैंने काफ़ी मीटिंग किए हैं मिल के आया हूँ और जो अपने पंजाब के एस डी ओ हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है एक दो बार मिस्टर निखिल मेहता जी हैं हाँ। तो बहुत सी नाइस पर्सन है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है नहीं समझ में आती है मैं उनको फोटो शेयर करता हूँ बढ़िया वो करते हैं अपने फूलचंद जी हैं जो श्री राम में हैं हाँ। पहले रिवलिस में थे पी सी वर्मा जी वो भी बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का उनको उनसे भी मैं बिल्कुल बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम आती है की कैसी भी फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल देता हूँ उनका रिप्लाई आता है बहुत, बहुत ही आ, अच्छा अनुभव मिलता है इनको यदि बंदा एक समझ के प्रोत पर आ, समझ के फिर इसमें फील्ड में काम करेगा तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर हम अपने का जो प्रशिक्षण पा रही है महिलाएं उनको भी आपके इस फार्म हाउस पर विजिट कराएंगे और उनको भी आ, ये नवाचार आपका दिखाएंगे कि उनको भी कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिले बहुत अच्छा लगा सर आज हम खेती किसानी कार्यक्रम में हमारे गाँववाणी स्टूडियो के बैनर तले हमने आपकी इस कहानी को सूट किया और बाकी किसानों के लिए भी एक प्रेरणा का आ, ये एक जरिया साबित होगी तो हमें खुशी है कि आज हम आपके इस ग्रीन हाउस को सेटअप करने के और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपसे हमने सीखा धन्यवाद थैंक यू